आई एम रविकांत, वेलकम यू एट ज्ञान एजुकेशन। आज हम करने वाले बेसिकली यूनिट 37 मॉड्यूल डी का। इसमें बेसिकली हम जो फोकस करेंगे वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग पर। ओके, इसमें लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपको हेल्प करेगा इस यूनिट को समझने में। लेट्स बिगिन, आइए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो एक टर्म यूज किया जाता है बेसिकली लाइक जैसे सोशल मीडिया हो गया, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और उसके थ्रू जो मार्केटिंग करते हैं दैट्स कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सोशल मीडिया प्रोवाइड्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस इन विच कंपनीज कैन इंटरेक्ट टू देयर कस्टमर ऑन पर्सनल लेवल। मतलब इसके थ्रू क्या कर सकती है कि जैसे आपने देखा हो कि जैसे ट्विटर के तहत, फेसबुक के तहत, मतलब जो है कंपनियां इंडिविजुअल लेवल पे या पर्सनल पे डाइव करती है और समझती है जरूरतों को। ओके, इसमें क्या क्या स्कोप है, लेट्स सी। इंडिया में क्या है कि जिस तरह से न्यू जनरेशन, इंडिया इज कॉल्ड यंग जनरेशन कंट्री, उसमें क्या है कि मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया इतने ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेस को किस तरह से जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके तक आसानी से पहुंचा जा सके और उनको अपने प्रोडक्ट के प्रति इम्प्रेस किया जाए या उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में सोशल मीडिया यूजर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी जो है जिस तरह से रिस्क बढ़ा है, इससे फायदे ये हैं कि अब जो है कोई भी काम करना बेसिकली जो है, अगर कुछ एग्जाम्पल के लिए स्टार्टअप हो या फिर कोई छोटी कंपनी खोलना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहता हो तो आसानी से वो कर सकता है अपने मार्केटिंग एजीबी में और विदाउट एनी स्पेंडिंग सिंगल रुपीज अपने एडवर्टीजमेंट आसानी से कर सकता है। सम ऑफ द पॉपुलर सोशल मार्केटिंग नेटवर्क्स देखते हैं, जानते ही हैं आप लोग ट्विटर, पहला है ट्विटर। तो ट्विटर बेसिकली क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फन एंड इंटरेस्टिंग, काफ़ी फनी है और इंटरेस्टिंग काफ़ी है, ठीक है। इसमें जो लिमिटेड मैसेज होता है कि वन, ये आपको ध्यान रखना है, 140 कैरेक्टर्स और लेस, आपको 140 कैरेक्टर तक ही इसका यूज करना ही हो सकता हूँ। लेकिन इसमें इतना काफ़ी है कि आप उससे पोस्ट लिंक, कोई लिंक शेयर कर सकते हो, पोस्ट मतलब इमेज, ओके, या फिर कोई ट्रेडिंग थाट है, बिजनेस का कोई थाट है तो उससे भी अपने लाइक कोई इन्फ्लुएंसर है या फिर सेलिब्रिटी है तो उनके साथ कर सकते हो आप। ओके, काफ़ी आसान है यूज करना। फेसबुक, फेसबुक के बिना तो सोशल मीडिया है अधूरा है। मैक्सिमम लोग सिर्फ आज के टाइम पे फेसबुक यूज कर रहे हैं और फेसबुक पे आप इजीली आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स जो पोस्ट बिछा गया था पहले उनको ढूंढ सकते हैं फेसबुक पे, अगर वो होंगे तो मिल जाएंगे ऑन फेसबुक। तो इसमें इसलिए क्या है, ये काफ़ी आसान है। इन क्विक थॉट्स ऑफ पर्सनल नेचर इंडिविजुअल्स कैन शो देयर सपोर्ट टू ब्रांड्स ऑर्गेनाइजेशन बाय बिकमिंग फैंस। इसलिए अगर कोई चीज़ से अच्छा लग रहा है, जैसे टाटा कंपनी का कुछ है, कोई रिलायंस का फैन, रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, तो इट्स लाइक तो उसके से फैन बनकर कोई सपोर्ट कर सकता है। लिंक्डइन क्या है बेसिकली, लिंक्डइन जो बेसिकली है ये इसका पर्पस, मेन पर्पस क्या है, बिजनेस को ही बढ़ावा देना। सोशल मीडिया, अकाउंट सोशल मीडिया, मेन पर्पस इज फोकस ऑन बिजनेसेस।
किसके लिए? बेसिकली लोकल बिजनेस कम्युनिटीज के लिए, लाइक मीटिंग कस्टमर्स, गेटिंग इन टच विद वेंडर्स, रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज एंड कीपिंग विद द लेटेस्ट बिजनेस हिस्ट्री और न्यूज। तो जो है आप इस पे सॉल्यूशन पा सकते हैं अगर नजदीकी लोकल लेवल पे, अगर किसी कोई जरूरत है, एम्प्लॉय की जरूरत है, हायर करना है, ओके, या इंडस्ट्री में कुछ नया है तो कुछ किसी और से शेयर कर सकते हैं। जिंग या फिर सिंग बोलते हैं इसको, ये भी क्या है कि टाइप ऑफ सोशल मीडिया है, और बेसिकली इसका जो पर्पस क्या है, मेनली प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड रिक्रूटिंग साइट बेसिकली जी। तो इसका जो क्या किया इसने, जो लिंक्ड इन में छूट गया था, जो लैग रह गया था, कमी रह गई थी, उसको लोगों से पूरा कर दिया। ओके, लोग समझते हैं कि जॉब सर्च पोर्टल है, बट लेकिन क्या एक्चुअली क्या है ये, हाई नंबर ऑफ फीचर्स इन कम्युनिटीज दैट मेक टू ईच डेवलप रिलेशनशिप सप्लायर्स, कलीग्स एंड इवन थॉट लीडर्स विद इंडस्ट्री। तो लोग सोचते हैं बेसिकली कि जो जिंग है वो सिर्फ जॉब सर्च पोर्टल पर ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ क्या है वो आप इजिली इससे सप्लायर के थ्रू, कलीग्स और जो है जो बिजनेस इंडस्ट्री हैं या उसे लीडर्स हैं उससे इंटरेक्ट या रिलेशनशिप डेवलप किया सकता है। गूगल प्लस, गूगल प्लस क्या था, फेसबुक के आने के बाद लाया गया था ताकि फेसबुक को कम्पीट कर सके, और इसमें जो जो फीचर्स दिया गया बेसिकली दोनों मिलाकर, जैसे फेसबुक का फीचर था और ट्विटर दोनों मिलाकर एक में दिया गया था, बट तो सक्सेसफुल ही रहा नहीं। हालांकि इसको जो है गूगल जो है गूगल के सपोर्ट दिया भी दिया गया था, लार्जेस्ट सर्च इंजन, फिर भी ओके ये उतना कुछ पॉपुलर नहीं हो पाया, बट स्टिल सोशल मीडिया ये जो है लॉट्स ऑफ पीपल। भी इंटरेस्ट रखते हैं सर, यू गेट गेंट वर्चुअल आइडिया एंड इंस्पिरेशन क्या है, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा एक प्रभाव रहा है पिछले कुछ सालों में, और ख़ास करके जो महिलाओं में ज़्यादा पॉपुलर रहा है, और जो है जिसे अपने पिक्चर्स मतलब जो फोटो वगैरह या थॉट्स ओके या प्रोजेक्ट बनाना या कुछ प्रोजेक्ट है उसमें प्रोजेक्ट लार्ज प्रोजेक्ट जो भी है उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, पिन या सेव या उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसमें जो पिन थ्रू इजली अपनी चीज़ों को अपनी बातों को ज़्यादा लोगों के बीच फैला सकते हैं और ज़्यादा फास्ट तरीके से फैला सकते हैं। YouTube आप लोग जानते ही हैं, और ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है YouTube, जहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीज़ अवेलेबल होता है, और कुछ काम इंस्ट्रक्शन के लिए समझ नहीं आ रहा सीधे यूट्यूब पर सर्च करें कैसे काम करना है, इट्स वेरी ईजी, मेक अवर लाइफ वेरी इजी। यूट्यूब और काम काफी आसान कर दिया है। इंस्टाग्राम, यू आर लुकिंग, जैसे अगर इंस्टाग्राम क्या है बेसिकली किस लिए किया गया था, ये फोटो शेयर करने के लिए, जिसके थ्रू आप जैसे अपने फोन का स्मार्टफोन का अच्छा से यूज करके सिंपली आप इसके थ्रू आप ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, और जो इंस्टाग्राम वेबसाइट पर इजिली आप फोटो अपना शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और जो है कमेंट ले सकते हैं, और कोई आइडिया अगर उस पर अपने फ्रेंड्स का कमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो बैंक, जो इंडियन बैंक से कितने लोग कितने बैंक यूज कर रही है सोशल मीडिया का, और क्या इसका इम्पैक्ट रहा है। तो उतना ज़्यादा यूज नहीं किया, फिर भी जो है रिसेंटली कुछ समय में, तो लास्ट वन डिकेड में देखने को मिला है कि लास्ट जो है बैंकिंग इंडस्ट्री ने है काफ़ी तेज से सोशल मीडिया का यूज करना शुरू किया है, यकीन से सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करना शुरू किया है, और फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव दिखती है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि आज जो है बैंकिंग सेक्टर जो है सिर्फ डिपॉजिट और लेंडिंग नहीं करती, उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट है,
प्लस वन इवेंट है, जैसे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कर रही है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो अपने जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाएँ, और ऐसे इस तरह से पहुँचाएँ ताकि लोगों को ट्रस्ट हो सके और आपका चीज़ और लोगों से बेहतर हो सके। विथ इंक्रीजिंग जो सोशल मीडिया है बैंक्स, इसे अब समझ लगे कि इसे आप अगर कुछ बता रहे हैं तो कितने आपको ट्वीट मिल रहे हैं, कितना आपको शेयर कर रहे हैं, कितना आपको लाइक कर रहे हैं। जरूरी है, अगर आप अच्छा चीज़ हो तो लोग लाइक करेंगे, अगर नहीं तो डिसलाइक करेंगे। तो एक चीज़ों को इस चीज़ों को बैंक भी समझ रही है, जो बैंक और मार्केटिंग कर रही है, कि किस तरह से अच्छी चीज़ अच्छा से अच्छा चीज़ को मार्केट में उतारा जाए ताकि लोग जो है इसको ज़्यादा लाइक करें, मतलब कि लाइक करें मतलब कि उस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा पॉपुलर होगा, ज़्यादा लोग इसको यूज करेंगे। अब जो है कि आज के टाइम पे बैंकिंग में भी काफ़ी कंपटीशन बढ़ चुका है, इसलिए जो है बैंक भी क्या करने लगे हैं, अब जो है मार्केटिंग बजट बढ़ाने लगी है, और सोशल मीडिया पे जहाँ से उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है। यू कैन से कि सोशल मीडिया पे रोल, सोशल मीडिया का यूज ज़्यादा होने लगा है मार्केटिंग के लिए आज के टाइम पे। जैसे कि सोशल मीडिया थ्रू से कस्टमर केयर का यूज करना, ओके हो गया, फिर लीडरशिप है या क्यों नया न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो पहले जिस लॉन्च बताते हैं ताकि लोग कस्टमर्स को समझ लें सही है कि नहीं है, कस्टमर को पसंद आया तो लाइक करेंगे, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देंगे। तो फिर कंपनी सोचती है कि इसको भी उतारा जाए मार्केट में या ना उतारा जाए, या उसमें कोई जो कमी रह गया उसको सही करके उतारा जाए। तो दैट्स मैनी मोर थिंग्स कैन बी डन इन दिस रिगार्ड। ओके, तो जो इसमें जो जैसे सेलिब्रिटी हैं तो उसके थ्रू करके और ज़्यादा आसानी से जो है जो फैल सकता है। सोशल मीडिया जो है सोशल मीडिया इसके लिए क्या करता है कि जो जो बिजनेस अपना चीज़ों को डिस्कस कर रहा है और जो अपने प्रोडक्ट के बारे में सर्विस के बारे में बता रहा है कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर क्या करता है कि सर्विस यूज कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर अब इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो सर्विस ले रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है, कोई खामी होती है, तो उस चीज़ का कोई सुनने वाला है या नहीं है। अगर सुनने वाला है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट का या कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज का ज़्यादा ज़्यादा यूज करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे इंडिया में कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जो काफ़ी एक्टिवली सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही है, उसमें से दो नाम काफ़ी आगे हैं, HDFC एंड ICICI। हालांकि और जो गवर्नमेंट बैंक्स भी बहुत ही आ रहे हैं, जैसे PNB हो गया, SBI है, ओके, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है बैंकिंग सेक्टर को सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट एम्स की देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी गोल ऑफ मार्केटिंग, क्या प्राइमरी गोल होता है मार्केटिंग का? इन्फ्लुएंसिंग परचेजिंग बिहेवियर ऑफ क्लाइंट्स, अपडेट क्लाइंट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, स्पेंड द एलोकेटेड। सिंगल पर्पज क्या होता है, किस तरह से जो है परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाए क्लाइंट्स का, मार्केटिंग में पर्पज यही होता है। फिर द फॉलोइंग मेथड इज यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉन्टेक्टिंग पीपल क्लाइंट्स ओवर द फोन, नो इट्स नॉट, सेंडिंग लेटर्स, नहीं, कॉन्टेक्टिंग क्लाइंट्स इन सोशल मीडिया फंक्शन सच एज मैरिज, नो, तो इट्स का इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सिंपली क्या करते हैं ये सब कुछ किए बिना ही मार्केटिंग करती है बाय सोशल मीडिया। ओके, सो हियर दो क्वेश्चन देखे मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आगे ये हमारा JAIIB ग्रेजुएट पासिंग कोर्स है, ओके, तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर फॉर मोर।
गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.